Hey guys, once again, welcome back to my YouTube channel, Inside Organon. Once again, I'm back with another very important topic, जो कि कई बार organon के examination में as a form of short note पूछा जाता है, and that is materia pecans. ठीक है? First of all, materia pecans जो term है, this has been mentioned in footnote 11 and 13 and introduction of chapter 6 of 6th edition. ठीक है, तो 6th edition जो organon of medicine की टेक्स्ट बुक है उसमें एंड फुटनोट 11 एंड 13 में ये मेंशन किया गया है. नाउ व्हाट इज materia pecans? बेसिकली डॉक्टर हैनमन बोलते हैं कि materia pecans का मतलब है मटेरियल कॉज ऑफ डिजीज. ठीक है, ये सिनोनिमस है विथ हार्मफुल मैटर या फिर मॉर्बिफिक मैटर या फिर ऑफेंडिंग सब्सटेंस. सो बेसिकली आप लोग जानते होंगे दैट एलोपैथ्स ये स्ट्रॉन्गली बिलीव करते हैं दैट जो कॉज ऑफ डिजीज है वो क्या है, मटेरिया पिकेंस है. मतलब अगर कोई पर्सन बीमार हुआ, उसको टाइफॉइड हुआ, तो वो माइकोबैक्टीरियम जो टाइफॉइड है वो साल्मोनेला टाइफी की वजह से हुआ. अगर ट्यूबरक्लोसिस है तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबर कुलाई की वजह से हुआ. ठीक है, तो ये क्या बिलीव करते हैं दैट जो कॉज ऑफ डिजीज है वो कोई सब्सटेंस है, मतलब वो बैक्टीरिया आया तब पर्सन बीमार हुआ. ठीक है, तो एलोपैथ्स बिलीव दैट द कॉज ऑफ डिजीज इज हिडन समवेयर इनसाइड द बॉडी इन सब्सटेंशियल फॉर्म, वो मैटर है. ठीक है, जो सॉलिड लिक्विड गैसियस जैसे एक सब्सटेंस से वो बना हुआ है. दे बिलीव दैट रिमूव कर देंगे अगर हम उसको, तो वो मेडिकल थेरापेटिक्स की हेल्प से, मतलब अगर हम बैक्टीरिया को मार देंगे तो क्या होगा, जो पर्सन है वो बीमार नहीं रहेगा. ठीक है, ये एलोपैथ्स जो है ये इस बात पे बिलीव नहीं करते दैट जो वाइटल फोर्स है वो डिरेंज होती है तो डिजीज स्टेट क्रिएट होती है. ठीक है, नाउ डॉक्टर हैनमन ने इस चीज को क्रिटिसाइज किया है एंड उन्होंने बोला है दैट द ओल्ड स्कूल ऑफ मेडिसिन बिलीव्ड इट माइट क्योर डिजीजेस इन डायरेक्ट मैटर बाय रिमूवल ऑफ द इमेजिनरी मटेरियल कॉज ऑफ डिजीज. डॉक्टर हैनमन ने इस चीज को क्रिटिसाइज करते हुए ये बोला है कि ओल्ड स्कूल ये चीज बिलीव करती है कि आप इन इमेजिनरी चीजेस को हटा दोगे अगर तो पर्सन जो है वो ठीक हो जाएगा. बट होम्योपैथी क्या करती है, होम्योपैथी स्ट्रॉन्गली कंडेम्स दिस बिलीव. वो क्या मानती है, दैट बॉडी एक मटेरियल चीज है. ठीक है, लेकिन जो वाइटल फोर्स है वो इमटेरियल चीज है और वाइटल फोर्स ही हमारी पूरी बॉडी को क्या करती है, वो चलाती है और उसके पीछे एक इमटेरियल फोर्स है मियाज्म, वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द कॉजेशन ऑफ डिजीज. होम्योपैथी ये भी बिलीव करती है दैट जो मटेरियल सब्सटेंस है ना, दीज आर द एंड प्रोडक्ट्स ऑफ द डिजीज, दीज आर नॉट द प्रोडक्ट्स हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग डिजीज, रादर दे आर द प्रोडक्ट्स विच आर एंड प्रोडक्ट्स ऑफ द डिजीज. ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है, इफ द पर्सन वाइटल फोर्स इज स्ट्रॉन्ग इनफ टू रेजिस्ट एनी इन्वेजन इट रिमेन्स हेल्दी थ्रू आउट. अगर कोई पर्सन है उसकी वाइटल फोर्स स्ट्रॉन्ग इनफ है तो वो कभी भी ऐसे इन्वायरमेंट में पर्सन को ले ही नहीं जाएगी जिसकी वजह से उसको बीमार पड़ना पड़े. सो मटेरिया पिकेंस इज ओनली द बिलीव ऑफ द ओल्ड स्कूल एंड इट कैन नॉट बी कॉल्ड एज अ कॉज ऑफ डिजीज. इसीलिए जो मटेरिया पिकेंस टर्म है ये सिर्फ ओल्ड स्कूल किसके लिए यूज किया जाता है, एलोपैथ्स के लिए वो माना जाता है और इसी से हम इसे रेफर कर सकते हैं एज मटेरिया पिकेंस, बट दिस इज नॉट द कॉज ऑफ डिजीज. ठीक है, सो फ्रेंड्स दिस इज इट अबाउट टुडेस सेशन इन विच वी हैव डिस्कस्ड मटेरिया पिकेंस. आई होप आई हैव मेड यू ऑल अंडरस्टैंड. अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स बैचमेट्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा एंड मिलते हैं कल के वीडियो में. टिल देन हैप्पी लर्निंग.